नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून प्रवेश के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हालांकि बारिश होने के बाद पूरे बिहार में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस गंगा के जल स्तर वृद्धि होने के कारण और इस बारिश ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी के जेठुली घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। और हम अपने सहयोगी से कहें कि वो गंगा का जो जल स्तर है वो उसको दिखाएं, और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंगा के लहरों में, ठीक गंगा के लहरों के बीचों बीच किस तरह से नाव वाले जो हैं यहाँ पर गंगा से इस पार उस पार गाड़ियों को ला रहे हैं। हम आपको बताएं कि पटना सिटी के कच्ची दरगाह में पीपा पुल हुआ करता है और उस पीपा पुल को गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर के कारण खोल दिया गया है, जहाँ पर आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं पीपा पुल की। जो कच्ची दरगाह में यह पीपा पुल जो है दो लेन का पीपा पुल हुआ करता है और उन दोनों पीपा पुल को गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर के कारण खोल दिया गया है, जिसके बाद एकमात्र सहारा, लोगों के आवागमन का एकमात्र सहारा यह नाव ही होता है। हम आपको ये भी बताएं कि राजधानी पटना से राघोपुर को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यह पीपा पुल ही हुआ करता था, जो पीपा पुल खुल जाने के बाद जो है अब यह राघोपुर आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता नाव ही बचा है, जिसके माध्यम से लोग नाव के सहारे आते जाते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है नाव पर गाड़ियों के साथ साथ लोग भी उस पर सवार हैं। हालांकि आपको हम बताएं कि करीब लाखों की आबादी जो है दियारा क्षेत्र में गुजर बसर करती है और यह एकमात्र रास्ता है पीपा पुल, जिसके माध्यम से लोग राजधानी पटना से और राघोपुर से अप डाउन किया करते हैं। हम आपको ये भी बताएं कि पीपा पुल खुल जाने के बाद से जो है इन लोगों का आवागमन का एकमात्र साधन यही होता है, और जिसके बाद नाव से जो है वो लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां और साथ ही मोटरसाइकिल और साथ ही ऑटो जो है इस नाव पर सवार होकर के गंगा से इस पार और उस पार ले जाया जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर नाव पर जो है किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो लाई जा रही है। हालाँकि इस दरमियान लोग भयभीत भी रहते हैं, अपने जान को लेकर के चिंतित भी रहते हैं कि जान हथेली पर लेकर यात्रा करने को मजबूर रहते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो गंगा पार से, गंगा दियारा क्षेत्र से गंगा को क्रॉस करते हुए राजधानी पटना में प्रवेश करते हैं। और फिर पुनः यही शाम का समय होता है जब दियारावासी इसी रास्ते इसी नाव से फिर वापस राघोपुर के लिए जाते हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना सिटी के कच्ची दरगाह में पीपा पुल खुल जाने के बाद दियारावासियों के आने जाने का एकमात्र साधन यह नाव ही बचता है, जिसके माध्यम से वो गंगा की इस पार और उस पार आते जाते